सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फिर से एक न्यू ट्रेंडिंग वीडियो एडिटिंग लेके आ गया हूँ। तो गाइस, अभी जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है ना, तो कुछ इस तरह का स्टेटस बनाने वाले हैं। तो अगर आप भी अपनी इमेजेस लगाकर कुछ इस तरह का फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखते रहना। तो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है, तो इसको आप सिंपली गूगल प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चले गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल मटेरियल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहां पर एक HDR प्रीसेट मिल जाएगा, उसको इंपोर्ट कर लेना है, और एक बीटमार्क प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेना। इन दोनों का XML फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, ओके। और अगर आपको हमारी टेम्पलेट मटेरियल्स बीटमार्क प्रोजेक्ट कुछ भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा था गाइस, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा हूँ कि मेरे मटेरियल्स को कैसे डाउनलोड करते हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो जाके एक बार जरूर देख लेना। अभी देखो गाइस, नीचे आपको सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। अगर आप सॉन्ग अलग से डाउनलोड करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ सॉन्ग का भी, ओके। ऊपर गाइस, यहाँ पर मैंने लिरिक्स लिख कर रखा हुआ है, इमोजी वगैरह सारा फिक्स करके रखा हुआ है, लेकिन आपकी लिरिक्स और ये इमोजी कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा होगा। आपको कैसे ऐसे दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ तक ने अपनी लिरिक्स रहेगी, और उसके बाद में गाइस इधर अपनी इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है। तो गाइस, इमेज भी हमें क्रॉप करना होगा। तो सबसे पहले भाई, यहाँ पर लिरिक्स को हम टैप करेंगे, ठीक है। आपको लिरिक्स को ऐड कर लेना होगा। तीन आपको फॉन्ट मिलेगा गाइस, ओके, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, थर्ड वाला, ठीक है। तो तीन फॉन्ट मिलेगा, तीनों को आपने इंपोर्ट कर यानी कि डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद में तीनों फॉन्ट को एक एक करके ऐड करना है। तो यहां पर मैं पहले एक को ऐड करके दिखा देता हूं, कुछ इस तरह से आपने तीनों को कर लेना। तो एडिट टेक्स्ट में आ जाएंगे, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके, और व्यू ऑल फॉन्ट्स में आके थ्री डॉट पे आके इंपोर्ट्स पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जहां भी फॉन्ट को आपने डाउनलोड करके रखा होगा, सिंपली फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना। अब यहां पर देखो गाइस, सिंपली वो फॉन्ट को आप तो यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने पहले ही से बहुत सारा फॉन्ट ऐड करके रखा हुआ, तो ये नीचे चले जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमने सर्च कर लेना है। तो यहां पर जो भी फॉन्ट का लिंक जिसको आप इंपोर्ट करोगे ना, उसकी नेम सर्च कर लेना। तो यहां पर देखो कुछ ऐसे नाम का गाइस, ये कुछ ये वाला फॉन्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अब यहां पर देखो, फिर से ऊपर में भी टैप करके बिल्कुल एडिट टेक्स्ट में आकर जहां भी आपने डाउनलोड करके इंपोर्ट करके रखा होगा, इंपोर्ट कर लेना है यानी अलाइट मोशन में। और यहां पर गाइस गो बोल्ड यानी कुछ ऐसे नाम का फॉन्ट है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। बिल्कुल कुछ ना कुछ यानी कि कुछ इस तरह से आपने सभी को कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद में सेलेक्ट करते हुए चले जाना है, ठीक है। जैसे सेलेक्ट करोगे, आपकी फॉन्ट की डिजाइन ऑटोमेटिक कुछ इस तरह से यहां पर चेंज हो जाएगा, ओके। अब हमने क्या करना है, जब फॉन्ट चेंज कर लोगे, उसके बाद में ऊपर देखोगे जी, यहाँ पर इमोजी वाला फॉन्ट दिखेगा, तो क्लिक कर लेना, एडिट टैक्स में आना। अब यहाँ से जो इमोजी आप डिलीट करना चाहते हो कर लीजिएगा, और यहाँ पर जो इमोजी आप ऐड करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। और बिल्कुल ये भी बिल्कुल सेम ही करना, फॉन्ट को ऐड करके, और यहाँ पर व्यू ऑल फॉन्ट्स में आ जाना। इस फॉन्ट का नाम है गाइस एप्पल, कुछ एप्पल नाम का गाइस एप्पल इमोजी ये फॉन्ट का नेम है, तो सेलेक्ट कर लेना। देखो आपकी लिरिक्स की जो ऊपर की इमोजी है कुछ इस तरह से हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इतना कुछ करने के बाद में अपनी इधर इमेज को क्रॉप करना होगा, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले इमेज को क्रॉप करने के लिए हमने क्या करना है, बैक होकर यहाँ पर लाइट मोशन में ही आ जाना है। आप चाहे पिक्सल या पिक्सआर्ट किसी का भी यूज कर सकते हो, मैं लाइट मोशन को यूज करूंगा। तो प्लस में क्लिक करके 9.16 की साइज को सिलेक्ट कर लेना है, बैकग्राउंड ब्लैक रख लेना है, और यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर प्लस में क्लिक करके मीडिया के ऑप्शन में आकर गाइस अपनी गैलरीज में आ जाएंगे, और गैलरी से यहाँ से मैं इमेज को क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ गाइस, ओके। तो कुछ इस तरह से हमने इमेज को ऐड कर लेना होगा। मूव एंड ट्रांसफर में आकर थर्ड ऑप्शन में क्लिक करके अपनी इमेज को फुल स्क्रीन कर लेना है, और यहाँ पर गाइस शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करके, और यहाँ पे PNG के ऑप्शन में क्लिक कर लेना, और यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके गैलरी में सेव कर लेना होगा। तो कुछ इस तरह से आपने 20 से 25 इमेज को गाइस क्रॉप कर लेना होगा, या 20 भी कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइस सेव की ऑप्शन में आपने क्लिक करके इसको आपने गैलरी में सेव कर देना होगा। अब सेव करने के बाद में गाइस हमने क्या करना है, अपनी उसी बीटमार्क प्रोजेक्ट में आ जाना होगा। और यहाँ पर गाइस देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखो ये जो इफेक्ट दिख रहा है ना गाइस, क्लिक कर लेना है लिरिक्स पे, इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके कॉपी इफेक्ट्स पे आ जाना है। और गाइस यहाँ पर जितने भी लिरिक्स हैं ना, नीचे में दिख रहा होगा, सभी पे एक एक करके क्लिक करके पेस्ट कर लेना। दूसरी लिरिक्स को भी क्लिक करके पेस्ट कर लेना गाइस, और यहाँ पर फिर से गाइस थर्ड वाले लिरिक्स को भी क्लिक करके इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर लेना। तो गाइस जितने भी हमने यहाँ पर लिरिक्स लिखा हुआ है, बस आपने कुछ इस तरह से इफेक्ट में आके थ्री डॉट पे आके पेस्ट इफेक्ट पे क्लिक कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर फाइनली
ओनली आपने अपने लिरिक्स पे कुछ इस तरह से इफेक्ट को लगा लीजिएगा। अब इतना करने के बाद में गाइस अपनी उधर आ जाएंगे, मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझा दिया गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर देखो दो और बच चुका है, तो चलो मैं लगा ही देता हूँ यार, इसमें भी क्लिक करके लगा लेते हैं, इधर भी क्लिक करके हमने लगा देना है। और इमोजी पे गाइस हमने कुछ नहीं लगाना है, इमोजी जैसा वैसा ही रहने देना है बस, ठीक है। अब हमने क्या करना है, आगे आना है। जैसे आगे आओगे ना तो यहाँ पर देखो अब हमारी फ़ोटो को ऐड करना है। तो देखो जहाँ जहाँ पे डबल फोटो दिख रहा है ना गाइस, वहाँ पे आपको एक ही फ़ोटो को दो बार ऐड करना है, फिर इधर भी एक ही फ़ोटो को दो बार ऐड करना है, फिर इधर भी एक ही फ़ोटो को दो बार ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी लेयर दिख रहे हैं उनमें सिंगल फोटो को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, क्लिक कर लेना है कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अब गैलरी ओपन हो जाएगी तो टॉप पे ऊपर में क्लिक कर लेना, तो यहां पर आपके सभी फोल्डर दिख जाएगा। अब यहां पर मैं अलाइट मोशन से एडिट किया हूं, तो अलाइट मोशन की फोल्डर को सिलेक्ट करके अपनी फोटो को यहां पर क्लिक करके ऐड कर लेना होगा। फिर यहां पर क्लिक करके कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके गैलरी में आ जाना, फिर से नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना। फिर से गाइस आगे आ जाएंगे, अब देखो यहां पर दो ग्रुप दिख रहा है, तो क्लिक कर लेना कलर एंड फिल के ऑप्शन में आके, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। अब इसी फोटो को मैं एक बार सेलेक्ट किया हूँ, फिर इसी नीचे को क्लिक करके कलर एंड फिल के ऑप्शन में आकर उसी फोटो को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फिर से आगे क्लिक कर लेना, कलर एंड फिल की ऑप्शन में आ जाना, फिर से गाइस यहाँ पर अपनी नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेना। देखो गाइस यहाँ पर कुछ इस तरह से आपने बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपने इमेज को ऐड कर लेना होगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइस बिल्कुल दो फोटो जो दिख रहा है एक ही फोटो को आपने दोनों को एक ही फोटो को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो फाइनली गाइस एंड तक कुछ इस तरह से कर लेना। अब इतना करने के बाद हमने बैक के HDR इफेक्ट में आना है। देखो ये चार इफेक्ट मिल जाएगा, अभी प्लस पे क्लिक कर लेना, सेलेक्ट ऑल लेयर पे क्लिक कर लीजिएगा, और यहां पर गाइस आपने प्लस में क्लिक करके कॉपी फोर लेयर कर लेना, और यहां पे कॉपी करने के बाद हमने बैक होके अपनी बीट मार्क में आ जाना होगा। अब गाइस हमने क्या करना है, इधर आना है जहां से अपनी लिरिक्स खत्म हो जाती है, तो लिरिक्स खत्म होती है वहां आते हैं और प्लस में क्लिक करके पेस्ट फोर लेयर कर देना। इसकी ड्यूरेशन मैंने पहले से यहां पे एंड तक करके रखा हुआ है, अगर नहीं होगा तो एंड में आ जाना, इसको क्लिक करके यहां तक टैप कर लेना, फिर इधर भी क्लिक करके टैप कर लेना। तो गाइस ये चारों जो हमने इफेक्ट है कुछ इस तरह से क्लिक करके एंड तक कर लेना होगा, ओके। तो फाइनली गाइस देखो कुछ इस तरह से आपकी वीडियो प्ले होने लग जाएगा, कुछ इस तरह से आपको लिरिक्स देखने को मिल जाएगा। और जैसे गाइस ये लिरिक्स एंड होगा उसके बाद में गाइस आपकी इमेजेस में कुछ इस तरह से इफेक्ट शो हो जाएगा। सो फाइनली अब हम इस वीडियो को गैलरी में सेव करेंगे, तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके वीडियो को गैलरी में सेव कर लेना। सो वीडियो कैसा लगा गाइस कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।